हमको तो रहना है गाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में, जब गलती है सोना धरती गाँव में। करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। स्वच्छ रखेंगे परिवेश हमारा, ओ बेटी भी है भविष्य हमारा। मुँह क्यों मोड़े ये जग सारा, भे भाग से सब नाता तोड़ो। नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। चाची जी, चाची जी मीटिंग में जा रही है क्या? हाँ हाँ। अरे इसे साथ में लेके कहाँ जा रही है? इसका स्कूल नहीं है क्या? स्कूल? लड़की है, पढ़ाई करके क्या करेगी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? लड़का और लड़की में इतना फर्क कैसे? ये अच्छी बात नहीं है चाची। चाची जी आप बबलू को तो स्कूल भेज रही है लेकिन मुन्नी को नहीं। मुन्नी को घर का काम सिखा रही है लेकिन उसे भी तो पढ़ने का मन है, उसे भी तो स्कूल भेजना चाहिए। मैं भी बेटी हूँ लेकिन पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकूं। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़ लिख के आगे बढ़े? सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी सारी सुविधा दे रही है, मुफ्त में किताबें देती है, मुफ्त में खाना भी देती है, तो क्या आप ये सुविधा लेना नहीं चाहेंगे? सिर्फ बेटों को नहीं बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कल से आप मुन्नी को स्कूल भेजेंगे ठीक है? हाँ हाँ भेजूंगी। चलिए अभी मीटिंग में चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। चलिए चलो चलो। कितने खुश नसीब है हम दसवीं के। अब हमारे बीच मौजूद कृषि विभाग के अफसर
श्री बीमल फुकन जी को एक फुलाम गामछा से स्वागत करने के लिए मैं जीना दास से अनुरोध करता हूँ। और हमारे बीच मौजूद पंचायत के सभापति सन्मान्य रामेश्वर दत्त जी को और साथ में स्कूल की प्रधान शिक्षक ब्रोजन तामुली सर को एक एक फुलाम गामसा से स्वागत करने के लिए मैं बॉबी और पुतुमाई को आमंत्रित करता हूँ। परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे गांव की सारी युवक युवतियां आपस में मिलकर खेती करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब मैं बीमल फुकन जी से अनुरोध करता हूं कि सहकारिता के आधार पर किस तरह से खेती की जा सकती है, कृषि विभाग हमें किस तरह से सहायता करेंगे और इससे हमें क्या क्या लाभ होंगे, विस्तार रूप से हम गांव वालों को समझाएं। पंचायत के सभापति श्री रामेश्वर दत्त और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री ब्रजेन तामुली जी से मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। रंजीत, राजीव, संजय, बूबू और दादू से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। उम्र में ये लोग मुझसे काफी छोटे हैं, लेकिन हम बिल्कुल दोस्त की तरह हैं। ये लोग बड़े ही लगन से काम करने वाले लड़के हैं। अगर आप लोग सहयोग करें, अपने गांव के बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्हें खेती के प्रति आग्रही करने का उनका जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। अब बात यह है कि हम दो तरीकों से सहकारिता के आधार पर खेती कर सकते हैं। एक जो खेती करेगा वो अपनी जमीन पर ही खेती करेगा। सबके पास बराबर मात्रा में जमीन नहीं है, लेकिन जब बंटवारा होगा तो उन्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा, या फिर उनकी जमीन के अनुसार उन्हें हिस्सा मिलेगा। ये बहुत उलझन वाली बात शायद आपको लग रही होगी। इस प्रक्रिया में आपस में बैर होने की काफी आशंका होती है। मैं अपने जमीन किसी कीमत पर नहीं दूंगा, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। अरे ओ, तुम चुपचाप बैठे रहो, दिन दोपहर में ही पीकर अनाप चना पकड़ा है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बहुत ही उलझन वाली बात है। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। इसी उपाय से सहकारिता की तरफ से
ज्यादातर खेती की जा सकती है। तो इसके लिए खाली जमीन किसी की भी हो ली जा सकती है। और यह ऐसा है कि जो लोग मिलकर खेती करना चाहते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा जमीनें लीज पर लेनी होंगी, मतलब उन्हें किराए पर लेनी होगी। इसमें हम किसी की खाली पड़ी जमीन भी ले सकते हैं, या फिर 6 महीने खेती होने वाली और 6 महीने खाली पड़ी जमीन भी ले सकते हैं। आपके गांव में तो इसकी और सुविधा है, पास ही नदी भी है, नदी के किनारे वाली जमीनें भी हम ले सकते हैं। केवल एक ही जगह पर खेती की जा सकती है कि हम अलग जगह में भी खेती कर सकते हैं? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। हम ये खेती हर जगह कर सकते हैं। अगर लोगों की संख्या ज्यादा हो तो हम दल बनाकर जमीन के अनुसार और खेती के अनुसार अलग अलग दल बनाकर हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर बाढ़ आए तो उसमें तो नुकसान होने की आशंका बहुत है। सबकी इस बारे में रुचि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खेती बाढ़ के समय ना करके बरसात के मौसम के बाद करना ठीक रहता है, क्यों राजीव? जी दादा। तुम्हारे गांव में इस खेती के सफल होने की पूरी संभावना है। बुजुर्गों की इसमें काफी रुचि दिख रही है, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही हम मिलजुल कर रहते हैं दादा। वेरी गुड। हमें सिर्फ इस तरह धान की खेती ही नहीं, दलहन और सब्जियों में बैंगन, आलू, गोभी, मिर्च, बीन आदि रवि और खरीफ की फसलें बदल बदल कर उगा सकते हैं। इसके लिए तो काफी धन की जरूरत होगी ना? अरे नहीं नहीं, बहुत ही कम पैसे में ये सारी खेती की जा सकती है और हमें इसके लिए बहुत ही कम मूल्य में धान के बीज, पावर ट्रिलर, ट्रैक्टर आदि आपको मुहैया कराएंगे। पिछले साल बारिश ना होने के कारण हमारी खेती अच्छी नहीं हुई। इसी वजह से हमारे कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही कम मूल्य में पानी की मशीनें आप लोगों को दी जाएंगी। नदी के किनारे तो इसकी कोई असुविधा ही नहीं है। हम खेती करने के विज्ञान सम्मत प्रणाली के बारे में सभी तरह के प्रशिक्षण भी आपको देंगे। जहां ये खेती होगी वहां की मिट्टी लेबोरेटरी में ले जाकर उसकी सही परीक्षा की जाएगी, ताकि जमीन की गुणवत्ता के अनुसार उपयुक्त खेती कर सके। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मीटिंग में जाना शायद अच्छा रहता। दोबारा क्यों पूछा? अगर चलते तो अच्छा होता। वहीं पर काफी लोग जमा हुआ है, वहां पर क्या हो रहा है जानने का भी तो मन होता है ना? पिताजी तो गए हैं ना, और मोहन से तो रात को हर खबर मुझे मिलती रहती है। उस शराबी का क्या भरोसा, पता नहीं वहां पे जाके क्या अनाप सुनाप बक दे। चल छोड़, वो देख वहां होगा मेरा तेल का डिपो।
बाइकें और गाड़ियां तेल भरवाने आएगी और वहां का होगा तू मैनेजर। पैसे गिनते गिनते तेरे हाथ दर्द करने लगेंगे। मैनेजर? अगर मैं मैनेजर बन गया तो तू क्या करेगा? मैं मालिक। मालिक? मामा जी के नाम पे तेल डिपो खोल के खुद मालिक बनेगा गुवाहाटी का वो ठेकेदार। तेरे और मामा जी का अपना नाम और जमीन इस्तेमाल करने के इजाजत देने की वजह से महीने के आखिरी में थोड़ा सा कमीशन देके किस्सा खत्म करेगा वो ठेकेदार। झूठे सपने देखना बंद करो। तू तो अभी भी मुझे समझ नहीं पाया। मतलब क्यों? कल मैं कंदर्प के साथ ऐसे ही गुवाहाटी जा रहा हूँ। आजकल धान रोपने वाला यंत्र यानी थ्रेशर मशीन भी है। यह भी हम आपको बहुत ही कम मूल्य में देंगे। तब तो हमारे बैलों का कुछ काम ही नहीं रहेगा। चाचा जी, जिनके पास बैल नहीं होते वे ही इस मशीन का व्यवहार करते हैं। आप लोगों का विभाग धन देकर कुछ सहायता करता है क्या? किसानों को केसीसी लोन देने की व्यवस्था है। यहाँ पर कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। एक समस्या है, लेकिन फसल अच्छी होने से भी सही दाम नहीं मिल पाता। अगर गांव में ही कोई खरीदता है तो हमें बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है। शहर के व्यापारी भी बहुत कम दाम देकर खरीद ले जाते हैं। घर के गोदाम में रखते हैं तो चूहे कूट खा लेते हैं। इस तरह मिलके खेती करने से और इतनी सुविधा मिलने पर अच्छी फसल तो होगी ही, लेकिन इसके बावजूद अगर सही दाम ना मिले तो नुकसान बहुत होगा। आपने सही समय पर सही सवाल पूछा है। आप लोगों को एक बात पता नहीं होगी कि इस तरह के उन्नत मान के धान के बीज को हमारा विभाग बाजार के मूल्य से अधिक मूल्य देकर आप लोगों से खरीद लेता है। ये बातें मैंने गांव के कई लोगों से कही थी, शायद ये लोग भूल चुके हैं। ये थी मिलजुल कर खेती करने की बात। जो लोग आज तक खुद की खेती करते आए हैं उन्हें हमारी ओर से मिलने वाली सुविधाओं और उन्नत कृषि प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। हर जगह हमारे कृषि विकास के लिए कार्यकर्ता रहते हैं। आप लोग उनसे मिलकर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। उन लोगों से तो मिलना ही मुश्किल है। ऐसी बातें ना करो मिठाराम, ना। यहाँ के कृषि कार्यकर्ता मेरे घर आते ही रहते हैं। सिर्फ तुम्हारे घर में आकर चाय पानी पीकर चले जाने से कोई फायदा नहीं होगा रामेश्वर। अरे, जनता को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। अगर कोई आरोप या परेशानी है आप लोग इसकी जानकारी हमारे ऑफिस को दें, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हमारा विभाग आप लोगों की सुविधाओं के लिए ही है। दूरदर्शन एवं रेडियो यानी आकाशवाणी में भी इसकी जानकारी दी जाती है। आप टीवी देख सकते हैं, वहां कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती है। कृषि के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उससे भी हमें काफी जानकारी मिलती है। हमारे यहाँ तो बिजली रहते ही नहीं है। हमारे गाँव में बिजली कहाँ से आते, यहाँ तो बिजली आते है, है? तब तो आप लोग रेडियो सुना कीजिए, इसके लिए बिजली भी जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बातें हो चुकी, आज यही समाप्त करते हैं। बाकी बातें आप रंजीत और उसके साथियों से मालूम कर लीजिएगा। हमारे कार्यालय में भी आप लोग आ सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत ही जल्द गशपरा गांव में ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा गूंज उठेगा। अरे रेवोल्यूशन, अरे हमने बहुत रेवोल्यूशन देख रखा है, इसका कोई फायदा नहीं ना।
ये वैसा रिवॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। देखिएगा, गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी। गांव वालों, बहुत देर हो चुकी है। मेरी बातों को इतने गौर से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विभाग के अफसर फूकन जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और समझाया। मैं उन्हें हमारे ओर से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही में मैं रामेश्वर दत्त जी और ब्रजन तामुली सर को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे विद्यालय के पीछे एक बड़े गड्ढे पे जैविक खाद की व्यवस्था की गई है। प्लास्टिक के अलावा अन्य कुछ भी चीजें बर्बाद होने नहीं चाहिए। आप लोग अपने घरों में साग सब्जी के छिलके के आदि को एक बड़े गड्ढे पे जमा कीजिए। इससे अच्छा खाद बनेगा और इसी खाद को हम सहकारिता के आधार पर की गई खेती में उपयोग करेंगे। धन्यवाद। और आज का मीटिंग यहीं समाप्त होती है। क्या सोचते रहते हैं? क्यों, मैं तेरे साथ गया तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुझे एक हफ्ता लग सकता है। इस एक हफ्ते में घर का ध्यान कौन रखेगा? मेरे दोनों गाड़ियों का हिसाब कौन रखेगा? पिताजी अकेले अकेले परेशान हो जाएंगे। अरे रमन भैया है ना? रमन भाई तो घर का काम करते हैं, वो तो घर का सदस्य नहीं है। तू इतना ना समझ क्यों बन रहा है? क्या हो गया है तुझे? यार मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। तुझे अकेले जाने देने का मन नहीं कर रहा है। तेरे अकेले जाने का बात सुन के ही मेरा मन कुछ बेचैन सा हो रहा है। तू पागल हो गया है क्या? मामी ने मरने से पहले मुझसे कही कुछ बातें मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखो, मैंने मामी को वचन दिया था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू भी ना यार। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, समझा ना? आज के बच्चे अगर अच्छा सोचते हैं, वो समाज आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। ठीक कहा, वो जो रंजीत है ना, वो मन का बड़ा ही सच्चा है। वो बाकी लड़कों को भी अच्छा ही सिखा रहा है। उस दिन बातों बातों में मेरी बेटी पुतुमाई ने कहा क्या? कि वो तुम्हारे बेटी को पसंद करता है। अच्छा, चौराहे के पश्चिम की तरफ पुल वाले जमीन पर तो आप खेती नहीं करते हैं। आप अगर हमारा कुछ सहायता करें तो हम हमारा फार्म उसी जमीन पर कर सकते हैं। फसल के साथ मुर्गी के फार्म भी हम वही खोलने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने ठीक ही सोचा था। तुम लोग यहाँ इकट्ठे आए हो तो पिताजी से कुछ न कुछ अपना मतलब निकालने आए हो। हेरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना।